हेलो। हाँ जी सर, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ डीजे गुरु जी से। एक्चुअली सर मेरी कोई शॉप नहीं है, इसलिए मैं आपको एड्रेस नहीं दे सकता। वैसे मैं दिल्ली से हूँ और सर मैं यहाँ से ऑनलाइन अपने घर से बैठ के ही ऑर्डर्स लेता हूँ और यहाँ पे मार्केट से परचेस करके निकलवा देता हूँ। जी सर, सर आप एक काम कीजिए, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मेरे को सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी डिटेल्स। मैं आपको वहाँ पे स्पीकर के बारे में बता दूंगा और आपको बता दूंगा किस तरह से आपको इसको परचेस करना है। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे पास ऐसे काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं जिनमें आप सभी लोग मेरे से बोलते हो सर आप हमें अपनी शॉप का एड्रेस दे दीजिए, हम आपके पास आके स्पीकर के पार्ट्स ले लेंगे, स्पीकर्स ले लेंगे, लाइट्स ले लेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो हम ले लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरी कोई फिज़िकल शॉप नहीं है। मैं जो भी ऑर्डर्स लेता हूँ घर से बैठ के लेता हूँ, मार्केट से परचेस करके आप सभी तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के एक सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। मैंने दोस्तों अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च कर दी है दुकान ऐप की मदद से। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आप सभी के सामने अपनी ऑनलाइन दुकान बनाई थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आई। आपने मेरे को मैसेज करके बोला कि सर हमें ये यूज़ करनी नहीं आ रही, हम कैसे इससे परचेस करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरह से आपको मेरी वेबसाइट से जो है प्रोडक्ट्स को परचेस करना है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मेरी वेबसाइट है ये आप देख सकते हो, जो कि मैंने दुकान ऐप की हेल्प से खोली और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, पेमेंट मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी का क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें। मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन को इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेड इन इंडिया है और भी बहुत सारे फीचर्स है इस एप्लीकेशन में। तो दोस्तों चलिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ किस तरह से आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करके मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ऑर्डर देने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से आपको जो मेरे स्टोर है दुकान ऐप के ऊपर वहाँ से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, आपका ऑर्डर प्लेस कैसे होगा और आपको शॉपिंग कैसे करनी है वहाँ से। तो यहाँ पे ये तो जो दुकान ऐप है ये हमारे लिए है जो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल जो मेरी दुकान ऐप का URL है, मतलब जो मेरी वेबसाइट है एक तरह से, आपको उस पर जाना है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और अगर आपको नहीं भी पता उसका लिंक तो उसका लिंक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो mydukan.io/djguruji-store। जैसे आप लोग ये किसी भी ब्राउज़र के अंदर ये लिंक डालोगे और उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जो मेरा स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स को जो है ऐड कर रखा है, लाइक मैग्नेट हो गई, लाइट्स हो गई, स्पीकर के पार्ट्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए और यहाँ पे कुछ और लाइट्स हैं। तो अभी मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको जो ऑर्डर प्लेस करना है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन यूज़ करोगे। सपोज़ आपको लाइट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लाइट्स पे क्लिक कर दोगे तो लाइट्स का सेक्शन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अभी मैं आप सभी को ऑर्डर करके दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे ऑर्डर होता है। सपोज़ मेरे को टर्मिनल ख़रीदना है, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट खुल जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप लोग प्लीज़ ऑर्डर करने से पहले इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ऑर्डर करना है। यहाँ पे सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से ये जो हमारा चेकआउट का पेज है वो आ गया है। तो यहाँ पे आपको पहली बार अगर इसको आप इस वेबसाइट को यूज़ करोगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने फ़ोन नंबर से। तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा अपना नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल नंबर डाल देता हूँ ताकि मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डालता हूँ और यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और एक OTP आएगा नंबर के ऊपर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, तो OTP आ गया है 347366 और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे कि आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएंगे, आपको अपना नेम डालना है, नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड। तो यहाँ पे नेम मैं अपना डाल देता हूँ, जैसे कि अभी डाल दिया मैंने, नंबर मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, एड्रेस डाल दिया। तो अभी मैं अपना एड्रेस छोटा सा डाल देता हूँ। आपको दोस्तों पूरा अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है, सिटी कौन सी है और पिन कोड। अब यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे पेमेंट के, कैश और ऑनलाइन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो अभी मैं आपको अगर कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करूँगा तो सिंपल आपको कन्फर्म जो ऑर्डर करना है वो आप लोग देख सकते हो, आपका ऑर्डर तुरंत प्लेस हो जाएगा, इधर आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा आप लोग इधर देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ गया और यहाँ पे शो भी हो गया कि ये न्यू ऑर्डर आया है, आप लोग देख सकते हो, और COD पे आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तक मेरे को कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, 34 ऑर्डर्स आ चुके हैं और उनमें से मैंने 3 ऑर्डर डिस्पैच भी कर दिए हैं, जिनका जो टोटल रिवेन्यू था, मतलब प्रोडक्ट जो था कितने रुपये का था, वो सारा इसको ऐड करके यहाँ पे शो करता है। एक भाई ने यहाँ पे ऑनलाइन भी पेमेंट करी थी, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को ऐसे ऑर्डर शो हो जाता है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि ये भी ऑर्डर कर दिया,
जैसे ही मैं वहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट करूँगा, सपोज़ यहाँ पे आप देखना भी, इधर मैं करता हूँ ये ऑर्डर है, इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा और मैं यहाँ पे बता दूँगा किस टाइम रेंज में मेरे को ये डिलीवर करना है, तो सपोज़ मैंने 5 to 10 days कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो आपके पास WhatsApp पे भी नोटिफिकेशन चला जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पे शिफ्ट करना बाकी है, और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी आ रही होगी। अब मैं दोस्तों आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर करना है। अब सपोज़ मेरे को ये ही कोई चीज़ और मंगानी है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ऐड कर रखी है, जैसे मैग्नेट हो गई तो इसके मैंने जो फ़ोटोज़ है मेरे पास वो भी ऐड कर रखे हैं, आप लोग पूरी डिटेल देख सकते हो और यहाँ पे ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो अब मैं आपको एक बार ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम दिखा देता हूँ और आप लोग सिंपली ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हो। सपोज़ मैं ये ऑर्डर करता हूँ बाय नाउ, सेम दोस्तों यहाँ पे एड्रेस क्योंकि मेरा सेव है तो यही मेरे को क्लिक करना है। अब ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगी कंफर्म कर देना है आपको, यहाँ पे जैसे ही कंफर्म ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे आपका जो UPI है वो खुल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे UPI आ गया तो मैं फ़ोन पे से यहाँ पे एक पेमेंट कर देता हूँ, किस तरह से होगी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इधर देख सकते हो 60 rupees मेरे को देनी है और ये दुकान ऐप के पास जा गया, आप लोग इधर देख सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेंड कर देना है, अब इधर आप लोग देख सकते हो जो ये पेमेंट है वो हो जाएगी। अब इधर ऐसी पेमेंट होगी, मेरे पास एक और ऑर्डर आ जाएगा दुकान ऐप के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक और नया ऑर्डर आ गया है और ये ऑलरेडी पेड दिखा रहा है, तो यहाँ से जस्ट मेरे को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लूँगा मैं ऑर्डर को। और दोस्तों एक यहाँ पे सबसे खास बात मेरे को ये लगी, जैसे मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे को जो पेमेंट है, अब मेरे को कैश निकालना पड़ेगा आपको ये शिप करने के लिए, तो मैं यहाँ पे शिप पे क्लिक कर दूँगा और डिलीवर पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे जो मेरी पेमेंट है आप लोग देख सकते हो, मैनेज में जाके यहाँ पे जो मेरी पेमेंट्स है वो अमाउंट रिसीव्ड हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो पेआउट्स मेरे को आ गया। जैसे एक भाई ने ऑर्डर किया था पहले, उसका यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ गया था और ये मैंने अभी ऑर्डर किया तो ये अमाउंट डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, आप लोग देख सकते हो 60 rupees। अब यहाँ से मैं कैश निकाल के आपका ऑर्डर भेज दूंगा। तो आप लोग दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट ही कीजिए। अभी कैश ऑन डिलीवरी का जो है ऑप्शन वहाँ पे मैंने डाल रखा है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी के लिए मेरे पास पार्टनर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप ऑर्डर करें तो प्लीज़ ऑनलाइन पे कर दें, और इनकेस अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर पा रहे तो जस्ट आपको क्या करना है, आप COD का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। COD जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे आप COD का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि ये देखिए आप। अब जैसे मैंने ये COD पे अभी ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे नंबर मैं हाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मैं आपका नंबर देख के ना डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप आपको कर सकता हूँ और आपको दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये चीज़ आपको ऑर्डर करनी है, कोई भी प्रोडक्ट है इनमें से आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। और जो मेरे वेबसाइट का लिंक है, ये जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेरे वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनका जो ये वाला लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आने वाले टाइम में इसमें और सारी जो प्रोडक्ट्स है वो भी ऐड करने वाला हूँ। अब दोस्तों आगे चलते हैं और मैं आप सभी को कुछ दुकान ऐप के बारे में भी कुछ जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। और ये तो मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से आपको जो मेरा स्टोर है यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना है। तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है आप सभी को जो वीडियो में मैंने आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना बताया जो दुकान ऐप के ऊपर है मेरे स्टोर वहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग दोस्तों कोई भी ऑर्डर दो तो प्लीज़ उसका ऑनलाइन पेमेंट कर दो, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही तो COD ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑर्डर कर दो, मैं यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा और आपको प्रोसीजर बता दूँगा किस तरह से आपको जो पेमेंट है वो करनी है, यानी कि मैं डायरेक्टली आपको अपना बैंक अकाउंट या फ़ोनपे गूगल पे का जो नंबर है वो दे दूँगा, आप लोग मेरे को डायरेक्टली पेमेंट कर देना और मैं यहाँ से आपका मटेरियल निकलवा दूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और, जो स्पेयर पार्ट को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो स्पेयर पार्ट काफ़ी हैवी होते हैं, उनकी मैग्नेट काफ़ी हैवी होती है, तो इसीलिए मैं उनको कुरियर में नहीं लगवा पाऊँगा। अगर सपोज़ एक मैग्नेट 10 किलो की है तो कुरियर में उसका खर्चा 800-900 कुछ रुपये आ जाएगा, आप भी उसको अफोर्ड क्यों नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट पर ही लगवा पाऊँगा। लेकिन जो भी सारी लिस्टिंग है, प्राइस है, वो आप लोगों को इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, आने वाले टाइम में मैं ऐड कर दूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यहाँ से प्लेस कर रहे हैं प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िए, उसमें क्या कंडीशन है ऑर्डर करने की। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप कोई ऑर्डर करके ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, आप लोग वहाँ पे देखिए आपके लिए कोई कूपन अवेलेबल है, क्योंकि मैं कूपन भी टाइम टू टाइम निकालता रहूँगा, अगर कोई डिस्काउंट कूपन आपके लिए एलिजिबल हो गया आप उसके लिए तो वहाँ पे अप्लाई कर देना, ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम आपको वहाँ पे उसका डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो बेसिकली दोस्तों इस ऐप पे आने का जो मेन मोटिव मेरा ये था क्योंकि मेरे पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी एक ऑनलाइन दुकान बना सकूं। और यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट सबसे मेन ये है, ये जो एप्लीकेशन है मेड इन इंडिया है, तो बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को एक मिल गया इसको यूज़ करने का भी। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं कंटिन्यू रखूंगा, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स ऐड करता रहूँगा, आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते रहिए और आपको मैं ऑर्डर यहाँ से निकलवाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग भी दुकान ऐप की मदद से अपना ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन दुकान खोलना चाहते हो तो दुकान ऐप को आप लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, ये मेड इन इंडिया है जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ ये 100% फ्री एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।